वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ माय चैनल। आज हम उड़ीसा के सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के बारे में कुछ जानने जा रहे हैं, तो ज़रूर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो नवीन पटनायक जी का जन्म 16 अक्टूबर 1946 में कटक में हुआ था। उनके पिता जो कि एक लेजेंड थे, वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, और उनका नाम था विजयानंद पटनायक या बिजू बाबू के नाम से वो बहुत ही मशहूर थे, और उनके माँ का नाम था ज्ञान देवी या ज्ञान पटनायक। नवीन पटनायक ने वेलहम बॉयज स्कूल और डून स्कूल जो कि डेहराडून में मौजूद है अपने इनिशियल स्टडीज़ किए थे वहाँ पर पढ़ाई करके। उनके और एक भाई प्रेम पटनायक हैं और उनके बहन का नाम गीता मेहता है। अपने स्कूल के दिनों में वो संजय गांधी जी के क्लासमेट रहे हैं और राजीव गांधी से वो 3 साल छोटे थे, और उसके बाद उन्होंने किरोरीमल कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता राजनीति में सक्रिय होने लगे। 1997 से वह बीजेडी या फिर बीजू जनता दल से दल में शामिल हैं, जिसका पॉलिटिकल सिंबल शंख है। जनता दल में वह 1997 तक थे जब तक बीजू पटनायक जी जिंदा थे। वो अपने पॉलिटिकल करियर में ओडिशा के तरफ से होम मिनिस्टर रहे हैं 2000 से 2022 तक, मिनिस्टर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक रहे 2000 से 2022 तक, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से 1998 से लेकर 2000 तक उन्होंने काम किया हुआ है, और मेंबर ऑफ द लोकसभा वो रहे हैं 1997 से 2000 तक। बीजू जनता दल के पहले प्रेसिडेंट हैं वो 1997 से आज तक। वह उड़ीसा प्रदेश के 15th चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि गिरिधर गमांगों के बाद हुए थे। उस टाइम पे सुपर साइक्लोन हुआ था 1999 में, और उसके बाद से आज तक नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं। तो 15th सीएम हैं वो, और 2000 से हिंजिली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। वह उड़ीसा के सबसे ज़्यादा लंबा शासन करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारत में वह दूसरे नंबर पर हैं सबसे लंबा शासन करने वाले सीएम के हिसाब से, और पहले स्थान पर पवन चामलिंग हैं, जो कि 5 consecutive times मतलब लगातार 5 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उनके बाद स्थान है हमारे सीएम नवीन पटनायक जी का। 2013 में फाइलिन साइक्लोन को हैंडल करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को हाईलाइट किया गया, वह भी ग्लोबली डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल के लिए। बहुत ही वाह वाह मिली थी उस टाइम पे उड़ीसा गवर्नमेंट को और नवीन पटनायक जी को। डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 339 प्रोजेक्ट्स, जिसमें नियर अबाउट 8.47 trillion rupees, वो भी 29 सेक्टर्स में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हुए हैं, जो कि 3.5 lakh एम्प्लॉयमेंट दी चुकी है। तो ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है उड़ीसा में। आंकड़ों के हिसाब से उड़ीसा भारत का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। लगभग 7.8% के हिसाब से इसकी इकोनॉमी एडवांस हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में। खोर्धा डिस्ट्रिक्ट को उड़ीसा का सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और देखा जाए तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वो भी आता है खोर्धा के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि बिजू बाबू का बेटा होना नवीन पटनायक को बहुत ही ज़्यादा फायदे में रखा है। उन्हीं के नाम से ही जो बोलते हैं ना, गोल्डन स्पून लेके जन्म होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है नवीन पटनायक को कि वो अगर बिजू पटनायक के बेटे नहीं होते तो इस स्थान पर भी वो नहीं होते शायद। उनके नाम पे डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम्स बोला गया है विरोधी दलों के सहयोग से। विरोधी दल हमेशा चिटफंड स्कैम हो गया, माइनिंग स्कैम हो गया, सेविंग स्कैमस्टर्स एंड नेग्लेक्टिंग द विक्टिम्स, ये सब आरोप लगाते रहते हैं नवीन सरकार और नवीन पटनायक के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं नवीन सरकार के ऊपर, लेकिन पावर नेटवर्क और उड़ीसा में पकड़ के वजह से इनको अपने सीट से हटाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। नवीन पटनायक पूरे भारत में एक प्रवीण राजनीतिज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं ऑलरेडी। नवीन पटनायक एक अभिज्ञ लेखक भी हैं। अगर उनके लेखों को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि उनके पास इंग्लिश का एक वास्ट लिटरेचर नॉलेज है। तो उनके किताबों में द गार्डन ऑफ लाइफ, ए सेकेंड पैराडाइज इंडियन कोटली,
डेजर्ट किंगडम आदि फेमस हैं और बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये सारे किताबें। आज के डेट में वो ऑलरेडी 77 साल के हो चुके हैं। आज तक नवीन पटनायक सही से उड़िया भाषा का उच्चारण नहीं कर पाए हैं और इस वजह से उनका कुछ ज़्यादा ही खिल्ली उड़ाया जाता है विरोधी दल के द्वारा। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगा, बहुत ही जल्दी और एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ हाजिर जो होना है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, हैव अ वेरी नाइस टाइम माय फ्रेंड्स। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और मैं चाहूँगा कि आगे जो भी कॉन्टेंट्स मैं दूँ आप लोगों का पॉजिटिव सपोर्ट उसके प्रति रहे, और मैं भी वादा देता हूँ मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आप लोगों को देता जाऊँगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।